सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्टी जी ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। तो अपन भी ठीक है बिस्टी जी भाई। तो गाइस, आज का ट्रिप रहने वाला है सिकंदराबाद से बीकानेर। तो मैं जा रहा हूँ हैदराबाद से बीकानेर और बने रहना, जुड़े रहना। गाइस मैं अभी नीचे गाइस मैं अभी छत के ऊपर से हूँ और छत के ऊपर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस मैं दिखाता हूँ नीचे, और नीचे हाईवे रोड है और क्या मस्त है, दामी है भाई। यहाँ पे गर्मी बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे तो भाई सर्दी पड़ती भी नहीं है, तो मान लो कि जनवरी के महीने में भी ये देख लो आपने रहना पड़ता है। तो देख लो ऐसा व्यू है यहाँ पे, अभी नीचे दिखाता हूँ मैं। ये है हाईवे रोड और नीचे क्या मस्त व्यू है, और नीचे गाड़ी जा रही है बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे भाई गर्मी बहुत है, देखो बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे। तो गाइस बने रहना, थोड़े रहना। अब जब मैं स्टेशन में जाऊँगा, रेलवे स्टेशन में, तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा और बने रहना। और ये मैं बस में बैठ गया, और ये है हैदराबाद की सरकारी बस, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बाहर का सीन है, बहुत बढ़िया सीन है भाई, जो अच्छा सीन है। तो गाइस मैं फाइनली अभी पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन में, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। देख लो सुबह, जब भी मैं वेटिंग हॉल में हूँ और वेटिंग कर रहा हूँ मैं और ट्रेन का, पता नहीं कितने बजे आएगी। यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, इसलिए मैंने टिकट भी नहीं ले रखा है। तो मेरी ट्रेन आएगी, कोई भरोसा नहीं है उसका, 12 बजे आ सकती है, 1 बजे आ सकती है, इसलिए मैं वेटिंग हॉल में हूँ। गाइस यार 2 घंटे हो गया, 2 घंटे से ज़्यादा ही हो गया, 3 घंटे लगभग, आई थिंक 3 घंटे हो गया। तो अभी 9 बज रहा है, तो 3 घंटे हो गया वेटिंग करते करते, पता नहीं कितने बजे आएगी। तो जैसे ट्रेन आएगी वैसे चढ़ जाएंगे, और वैसे ट्रेन बड़ा टिकट भी लेना पड़ेगा भाई साहब। भीड़ बहुत है क्योंकि होली है ना, होली में घर जाने वाले बहुत है, तो देखो भीड़ बहुत है। सो गाइस मैंने फाइनली टिकट ले लिया, और ये मेरी टिकट है, 1 बजे आएगी गाड़ी। सो गाइस 1 बजे आएगी गाड़ी और ट्रेन 1 बजे आएगी, तो तब तक मेरे को वेट करना पड़ेगा गाड़ी को। तो गाइस मैं अभी फाइनली ट्रेन में बैठ गया हूँ, और यहाँ पे अभी इतनी भीड़ नहीं है, और भीड़ इतनी नहीं है और खाली है ट्रेन, दिखाता हूँ। फाइनली मैं ट्रेन में बैठ गया। तो भाई हमारी ट्रेन चल गई है गाइस सिकंदराबाद से बीकानेर के लिए, और यहाँ पे घूम घूम के जाएगी इसको ये ट्रेन, अहमदाबाद और सूरत होगी जाएगी। तो गाइस स्टेशन में तो बहुत सारी भीड़ है, और फिलहाल इसके अंदर भीड़ नहीं है, और हम आराम से जाएंगे, हमको सीट भी मिल गया है अभी। सुबह चलते चलते 10 बज गया भाई सुबह का। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी लोग को, और इतनी भीड़ नहीं है खास जितनी होनी थी, और ये थोड़ा ट्रेन घूमती जा रही है भाई, ये ट्रेन ना थोड़ा घूमती जाती है। कल 27 तारीख थी, 27 तारीख को मैंने टिकट लिया था, 27 फरवरी को, आज 28 फरवरी है। तो गाइस कल रात को 1 बजे की चली थी ट्रेन, तो मैंने तो
11 बजे टिकट लिया था क्योंकि 11 बजे का दिखा रहा था इसमें, तो चलिए 1 बजे क्योंकि थोड़ी लेट होगी, तो ये ट्रेन ना थोड़ी घूमती जाएगी, तो ये बताइए कहाँ से जाएगी, और ये जाएगी सूरत होके जाएगी, अहमदाबाद होके जाएगी, भैसरा होके जाएगी, और ये आबू रोड ऐसे ऐसे और जोधपुर बीकानेर होके जाएगी। भीड़ नहीं है खास, मैं अभी जनरल डिब्बे में हूँ तो इतना भीड़ नहीं है, वैसे हिसाब से भीड़ है थोड़ा सा है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। भाई कल रात से चला हूँ तो अभी बैठ के मतलब सो के अभी मतलब कि आराम से सोया, आराम से चला और मेरी को सीट मिल गई तो अच्छा हुआ, बहुत यात्रा अभी तक सही है, ठीक ठाक है। भाई कल रात भर चली ट्रेन और रात दिन भर चलेगी और रात रात भर चलेगी और कल आफ्टरनून आई थिंक कल 1 बजे मेरे को बीकानेर छोड़ेगी, लास्ट होने की उतनी नहीं है भीड़ भाई, अभी ठीक ठाक है, सही है, लगेज बने रहो, जुड़े रहो और दिखाता हूँ मैं अभी। ये देख लो भाई इतनी भीड़ नहीं है खास, इतने होने भी और देखो नीचे में देखो और इतनी भीड़ नहीं है खास। यार इस ट्रेन का नाम है एसआर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तो भाई बहुत बैठ के चल रही है और 130 की स्पीड में चल रही है, देख रही हो, और बाहर ना इतनी स्पीड में चल रही है ना, बहुत आवाज़ नहीं आ रही, कहीं कोई सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, और मैंने तो ऐसे माइक लगा रखा है, अभी सही आ रही होगी, तो भाई बने रहो जुड़े रहो, अभी और दिखाएंगे भाई आगे आगे देखते रहना भाई। सो गाइज हमारा फाइनली लंच आ गया और लंच को अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खुलते हैं और साइड में पनीर की सब्जी हो गया और वेजिटेबल हो गया और मिक्स वेज और दाल हो गया, सलाद हो गया और चपाती हो गया, 3 चपाती मिली मुझे और ये पिकल हो गया और राइस हो गया, साइड में स्वीट हो गया। हम खाना खा रहे हैं और इशार एक्सप्रेस एक्सप्रेस में सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, तो भाई प्लास्टिक आया है, तो इसी में जा रहा हूँ सिकंदराबाद से बीकानेर, तो इसमें प्लास्टिक आया अभी दिखा देता हूँ मैं, पनीर की सब्जी में और प्लास्टिक आया है, तो देखो ऐसा खाना है हमारे पास, ऐसा खाना मिला है और ये पूरा बिल्कुल ठंडा है, कितनी ठंडा है ये, और ना नमक है और पूरी मिर्ची बटर की है, पूरा ऑयल है और पूरा ठंडा है, चावल पूरा ठंडा है और ये प्लास्टिक देख लो भाई, देख लो प्लास्टिक ये सब्जी में आया पूरा प्लास्टिक, और जितने भी लोग खाते हैं ना, जितने भी लोग ट्रैवलिंग करते हैं और ध्यान रख लेना अपना, उस हिसाब से खा लेना, मुझे भी जहाँ तक लगता है अपना खाना लेके आना और बेटर होगा, तो ये ट्रेन का खाना तो ऐसा रहता है भाई, देख लो प्लास्टिक है और हिसार सुपर फास्ट एक्सप्रेस ये खाना खाया मैंने अभी अभी, मेरा लंच है। सो गाइस सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और 29 फरवरी को भी सुबह हो गया और देखो यहाँ पे सुबह सुबह सूरज निकल रहे हैं, वाह कितना बहुत मस्त सीन है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आराम से आए भाई, मस्त हो गया है और सीट मिल गई हमें और बैठ बैठ गया है और सोए भी हम बैठे भी, और अच्छा देखो यार क्या सीन है यार। भाई साहब क्या बजा रहे यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया, और देख रहे हो और बजाने वाले बहुत तो इंजॉय हुआ, और भाई साहब फाइनली मेरी ट्रेन पहुंचने वाली है बीकानेर में। सो गाइस मैं फाइनली ट्रेन से उतर गया हूँ और बीकानेर में पहुंच गया, और ट्रेन दिखा देता हूँ मैं आपको और आराम से उतर के, ये देख लो भाई बीकानेर रेलवे स्टेशन ये है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और बाहर का व्यू और अच्छा है, ये बहुत पुराने ज़माने में बनाया हुआ वाला है और इसी द्वार निष्कासन वाला है। गाइस ये है बीकानेर जंक्शन का आउटसाइड का व्यू, क्या मस्त लग रहा है ना, वाह बहुत अच्छा लगा भाई मुझे तो। भाई आप चलते हैं हम घर की तरफ और पहुंच गए, अब ऑटो में ढूंढना पड़ेगा, ऑटो में जाएंगे। भाई ये है टेम्पो और ये हमारे टेम्पो भाई, और हम बैठेंगे ठीक है। फाइनली ऑटो में बैठ गया और ये ऑटो वाला भाई बोल रहा है यार हमारा भी वीडियो निकलते यार, ले तेरा भी वीडियो ले। तो गाइज ये है बाहर का रोड, भाई बहुत बड़ा है, इस बार इसे घूमना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, देखो भाई बीकानेर किला है ये,
भाई ये बीकानेर का किला कितना बढ़िया है ना, इसमें भी विजिट करना पड़ेगा। ये है मेन गेट, यहाँ से अंदर जाने का होता है और यहाँ से टिकट लेने का होता है गाइज, कभी आना तो घूम लेना। अभी आया हूँ अपने बहन के घर और राजस्थान में जहाँ मेरी बहन रहती है वहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे अभी मैंने खाना खा लिया और नहा धोएंगे, अभी धोएंगे फ्रेश होंगे। तो भाई ट्रेन का सफर तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, लेकिन एक चीज़ सही नहीं लगी मुझे यार, ट्रेन का खाना बहुत बेकार लगा, क्योंकि यार इसमें प्लास्टिक आए और ये अगर किसी बच्चे ने खा लिया होता तो बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि सही नहीं रहता क्योंकि बच्चे खा लेते यार गाइज। इससे अच्छा तो यार घर से रोटी बना के लेके आओ, वो सही से रहेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि चाय के साथ तो खाओगे कम से कम। तो गाइज बने रहो, जुड़े रहो। तो गाइज मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। जय हिंद, जय नेपाल।